मानव जैव सांस्कृतिक विकास कैसी ह्यूमन के एवोल्यूशन हुआ ये दिखाया गया अंदर यहाँ। दोस्तों यहाँ जो आप देख रहे हैं ये जो पैरों के निशान आप देख रहे हैं ये तंजानिया में मिले हैं, ज्वालामुखी लावा में ये पैरों के निशान सुरक्षित मिले हैं तंजानिया। नमस्कार दोस्तों, आज आप सभी का स्वागत है और आज हम जा रहे हैं इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय जो कि भोपाल में श्यामला हिल्स पर है। तो हम वहाँ पहुँच गए मुख्य गेट पर और हम आगे आपको इसका पूरा टूर करवाने वाले हैं। तो पहले तो हम आपको ये बता देते कि यहाँ अंदर जाने के लिए टिकट क्या है। तो यहाँ 50 रुपीज़ पर पर्सन इसका टिकट है, व्हीकल का कोई भी किसी भी तरह का टिकट नहीं लगता है और 10 साल से छोटे बच्चों का भी कोई टिकट नहीं है। ये इंटरप्रिटेशन सेंटर है, व्याख्यान केंद्र, जहाँ पर कि इस मानव संग्रहालय से संबंधित जानकारियाँ दी जाती हैं। दोस्तों ये है कुम्हार पारा, कुंभकारों के द्वारा जो भी चीज़ें बनाई जाती हैं यहाँ पे उनको दिखाया गया है। अलग अलग राज्य के, कोई उड़ीसा, तमिलनाडु, बंगाल, कच्छ, मणिपुरी, अलग अलग जगह के हमें यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो अब हम अंदर जाते हैं और देखते हैं इस कुम्हार पारा में क्या क्या हमें देखने को मिलता है। जो आप देख रहे हैं ये मटकों को पकाने के लिए एक भट्टा है जो कि आसाम के मंजुली द्वीप है, जो ब्रह्मपुत्र नदी पर, उस पर इस तरह से वहाँ के जो कुंभकार हैं वो मटकों को पकाने के लिए इस तरह के भट्टे का प्रयोग करते हैं। ये है ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजी पार्क, परंपरागत तकनीकी उद्यान। तो हम जाके देखते हैं कि किस तरह की टेक्नोलॉजीज़ इस्तेमाल किया करते थे हमारे पुराने भारत में। दोस्तों ये है मैतेई समुदाय मणिपुर के, वहाँ के मणिपुरी राजाओं ने ये एक समय को मापने के लिए बनाया था। तो ये देखिए, ये जो आप देख रहे हैं ये जो इसमें छेद है मिट्टी के, तो इस बर्तन में डाल दिए जाते थे तो इनमें कितना देर में पानी भर रहा है इनमें पूरे में, फिर उसके बाद वो इस ड्रम से बजा करके बताते थे कि इतना समय हो गया। तो ये उनकी तकनीक थी। तो इस तरह से ये देखिए यहाँ रखे तो एक एक को आगे बढ़ाते जाते थे कि ये एक जो भी समय की उनकी यूनिट रही हो कि एक घंटे का एक है, तो इस तरह से कर दिया करते थे। तो देखिए जनाब, उस समय भी आदिवासी इलाकों में भी जो मणिपुर के मैतेई समुदाय हैं वहाँ पर भी समय मापने की उन्होंने एक तकनीक विकसित की थी। ये भी मणिपुर के ही है, मैतेई समुदाय के द्वारा वहाँ पे जो लोहा पिघलाने की जो जो भट्टी बनाई जाती थी ये वो है। यहाँ पे देखें ये दो हवा डालने के लिए हैं कि इसमें प्रॉपर हवा जाती रहे तो उसका तापमान तेज़ रहेगा भट्टी का। तो ये चमड़े से बनाए गए हैं, लकड़ी और चमड़े का प्रयोग किया गया। यहाँ पे लोग खड़े होकर के उस पर पैर रखते थे या फिर उस पर कोई मैकेनिज्म इस तरह का इस्तेमाल करते थे जिससे कि पूरा उसको हवा मिल सके। भट्टी को जो धोंकनी बोलते हैं ना जैसे हिंदी में, तो ये वो धोंकनी है। तो ये लोहा पिघलाने की भट्टी है देखिए। और फ्रेंड्स ये जो आप देख रहे हैं आपके सामने ये चूना बनाने की भट्टियां हैं जो कि आंध्र प्रदेश की हैं, विजयनगर राज्य की, और यहाँ पर इनमें चूना पकाया जाता था इन भट्टियों में।
दोस्तों इस वक्त आप अपने सामने जो देख रहे हैं ये आंध्र प्रदेश की सिंचाई की प्रणाली है, जिसमें कि एक बड़ा सा जो आप ड्रम देख रहे हैं तो इसको एक बाल्टी की तरह इस्तेमाल किया जाता, जो इसे कि कुएं में डाला जाता था। वहाँ से जब ये ड्रम भर जाता था तो आप इसमें पानी निकलने की जो जगह देख रहे हैं तो रस्सी से खींच करके उसको यहाँ पर गिरा दिया जाता था नाली में, और वो खेतों तक सिंचाई की जाती थी उससे। दोस्तों पुराने समय में जो भी इमारतें बनाई जाती थी उस वक्त सीमेंट तो था नहीं, तो उन इमारतों में इस्तेमाल किया जाता था चूना, और दूसरा मिश्रण भी इसमें मिलाया जाता था। तो वहाँ पर उस चूने को कैसे पीसा जाए, कैसे उस मिश्रण को तैयार किया जाए, तो उसके लिए व्यवस्था थी। देखिए ये नाली दिख रही है, इसमें एक पत्थर दिख रहा है, तो ये जो चारों तरफ इस नाली में डाल दिया जाता था उस मिश्रण को, जिसमें चूना मुख्य अवयव होता था, उड़द की दाल, चूना, गुड़, कैंत, इस तरह की चीज़ें, और पशु बांध करके इसको खींचा जाता था, जिससे कि इस नाली में जो मिश्रण है उसको अच्छे से पीसा जाता था, मोटर तैयार किया जाता था, उस मसाले का फिर इस्तेमाल किया जाता था इमारतों को बनाने में। दोस्तों आजकल तो हम दुनिया भर के अलग अलग तरह के थ्रेशिंग की मशीनें देखते हैं या ग्राइंडर्स देखते हैं, लेकिन उन दिनों अगर धान को चावल को अलग करना होता था, धान जो कच्चा होता था उसमें से चावल को अलग करने के लिए उसकी कुटाई की जाती थी, और ये प्रणाली बनाई गई थी एक तरह की ऑटोमेटिक स्वचालित प्रणाली। कैसे काम करती थी, यहाँ से मान लीजिए झरना है, कोई पानी है तो इसमें जाता था, यहाँ पर पानी से भरता था, ये नीचे जाता था सीसॉ की तरह, और ये जो मूसल है जोर से इस ओखली में गिरता था, तो इसमें जो धान है वो उससे चावल निकल जाता था। तो देख रहे हैं ये पूरा ऑटोमेटिक स्वचालित प्रणाली थी, ये थी मणिपुर राज्य की। दोस्तों ये जो सामने आप देख रहे हैं ये रहट है, इसे भी पशुओं के द्वारा चलाया जाता था, और ये भी एक तरह की ऑटोमेटिक प्रणाली थी, जिससे कि कुएं से पानी निकाल करके सिंचाई में इस्तेमाल किया जाता था। और इसे कई बार हिंदी की फिल्मों में देखा, जैसे कि उपकार फिल्म में एक गाना है मेरे देश की धरती, जिसमें रहट को दिखाया गया, तो आप वहाँ पर भी इस रहट को चलते हुए देख सकते हैं, क्योंकि आजकल ये देखने को नहीं मिल पाते हैं। दोस्तों ये है घराट। घराट को समझने के लिए ऐसे समझ लाइए कि ये एक तरह की आटा पीसने या दलिया बनाने की चक्की है। और ये कैसे चलती थी, ना तो ये पशुओं से चलाई जाती थी, ना इसे मनुष्य संचालित करते थे, बल्कि ये चलती थी हाइड्रो पावर से, पानी की शक्ति से। जी हाँ, इसमें नीचे टरबाइन लगा होता था, पंखा लगा होता था। चलिए मैं आपका इसको मैकेनिज्म समझाता हूँ। ये देखिए ऊपर से अनाज डाला जाता था और ये नीचे अनाज आता था, और यहाँ पे मैं घराट का उत्तराखंड का एक वीडियो डाल रहा हूँ, जिसे कि आप देख के समझ सकते हैं कि कैसे इस्तेमाल किया जाता था। तो नीचे यहाँ से पानी जाता था और उसमें पंखे लगे रहते थे, जिससे कि ऊपर तक गियर से ये पत्थर को जोड़ दिया जाता था और ये पत्थर घूमता था, तो इस तरह से अनाज पिस जाता था इससे। तो ये पानी की शक्ति का इस्तेमाल किया जाता था, जिस तरह से आज हम देखते हैं बिजली बनाई जाती है, या दूसरी तरह की जो जल चक्कियाँ देखते हैं हम। दोस्तों आप अपने सामने जो देख रहे हैं ये है कोलू। जी हाँ, ये था ऑयल सीड से ऑयल निकालने के लिए, जिसे कि हम कोल प्रेस्ड सिस्टम बोलते हैं। ऑयल निकालने का मैकेनिज्म है ये, जिसमें कि आप बेलन सा देख रहे हैं, लकड़ी का ये ओखली सी देख रहे हैं, इसमें जो भी ऑयल सीड है वो डाल दिया जाता था और ये घूमता था, और इसको पशु चलाया करते थे। यहाँ पशु बांध दिए जाते थे और वो इसमें चारों तरफ घूमते थे, तो ये बेलन चलता था और इस तरह से उन ऑयल सीड से ऑयल निकल जाता था। ये कोल्ड प्रेस्ड ऑयल निकालने का एक सिस्टम, एक टेक्नोलॉजी थी। तो नमक बनाने के दौरान इवोपरेशन या वाष्पीकरण की प्रक्रिया बहुत महत्वपूर्ण होती है। जहाँ कहीं समुद्र होता है तो उस नमकीन पानी को क्यारियों में भर दिया जाता है, और सूरज की गर्मी से वो पानी भाप बन के उड़ जाता है और नमक क्यारियों में रह जाता है। लेकिन नॉर्थ ईस्ट के इलाके जहाँ पर कि सूरज का बहुत अधिक ताप नहीं होता है और वहाँ समुद्र भी नहीं है, तो ऐसे में वहाँ पर नमकीन झरनों के पानी को इन कंटेनर्स में डाल दिया जाता था, नीचे से आग जला दी जाती थी, तो और आग से वो पानी भाप बन के उड़ जाता था, इन कंटेनर्स में नमक बच जाता था। तो नॉर्थ ईस्ट के इलाकों में नमक बनाने की प्रक्रिया इस प्रकार से अपनाई जाती थी। दोस्तों इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय में जब आप आएंगे और यहाँ के टेक्नोलॉजी पार्क को देखेंगे, जो ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजी पार्क है, तो वहाँ पर आप जब सारी तकनीकों या तो आप पहले देख सकते हैं, या आप उन तकनीकों को जाने से पहले इस गैलरी में आइएगा और यहाँ पर हर टेक्नोलॉजी की पिक्चर्स भी हैं और वो कैसे फंक्शनल थी, कैसे काम करती थी, वो सारी बातें यहाँ समझाई गई हैं। तो आप यहाँ जब भी आएँ तो यहाँ पर आकर के उन तकनीक की बारीकियों को आप समझ सकते हैं। और दोस्तों मैं एक बात और कहूँगा कि आप अपने परिवार में जो बच्चे हैं उनको ज़रूर यहाँ विज़िट कराएं, क्योंकि कई बार आप स्कूलों में भी उन चीज़ों को नहीं सिखा सकते जो कि आप यहाँ वास्तविक तौर पे अपने बच्चों को विजुलाइज़ कराएंगे, वो सारी चीज़ें उन टेक्नोलॉजीज़ की आप उनको जानकारी देंगे, जिससे कि वो इस बात को समझ पाएंगे कि एंशियंट टाइम में भी किस तरह से टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता था। दोस्तों इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय से मेरी बहुत सारी यादें जुड़ी हुई हैं।
आज से लगभग 9 साल पहले भी मैं यहाँ आया था और तब दिवित सिर्फ 1 साल के थे। हम इनका मुंडन कराने के लिए आए थे। वो फोटो मैं यहाँ आपको डाल रहा हूँ, इसमें आप वो देखिए कि आज से पहले ये कैसे थे। अभी आज 10 साल के हैं, तब ये सिर्फ 1 साल के थे, यहाँ आए थे। तो ये देखिए, ये है वो म्यूजियम, इंडोर म्यूजियम मानव संग्रहालय का। हम वहाँ आए आज फिर 9 साल बाद, बट इस बार उपमा हमारे साथ नहीं है, मैं और दिवित दोनों। वेट बेटा, वेट, पीछे देख के। मानव संग्रहालय का जो इंडोर म्यूजियम है, हम लोग वहाँ आ गए और आपको अंदर से दिखाते हैं कैसा है। मानव जैव संस्कृति विकास, कैसे ह्यूमन के एवोल्यूशन हुआ, ये दिखाया गया अंदर। यहाँ दोस्तों, यहाँ जो आप देख रहे हैं, ये जो पैरों के निशान आप देख रहे हैं, ये तंजानिया में मिले हैं, ज्वालामुखी लावा में ये पैरों के निशान सुरक्षित मिले हैं, देश है वहाँ पर मिले हैं, राइट। ये देखिए, ये वहाँ का ओरिजिनल जो चित्र है ये वो है, और ये लगभग आज से करीब 50-60 लाख ईयर्स पहले का है कि तब मनुष्य 2 पैरों पर सीधे चलना शुरू कर चुका था। दोस्तों, ये वीडियो बहुत लंबा हो जा रहा है, तो मैं इसको 2 पार्ट्स में डाल रहा हूँ। तो आज आपको ये फर्स्ट पार्ट भेजा है, आपको नेक्स्ट पार्ट के लिए वेट करना होगा। मैं इमीडिएट इस पार्ट के बाद उसको भी अपलोड कर रहा हूँ, तो आप वेट कीजिए सेकंड पार्ट के लिए, जिसमें हम आपको पूरा म्यूजियम अंदर से दिखाएंगे, देन उसके बाद फिर हम इसको बाहर से भी आपको घुमाएंगे।